जयपुर भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले राज्य राजस्थान की राजधानी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जयपुर शहर तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों व घरों में लगे पुराने धौलपुरी पत्थर से होती है, जो कि यहाँ की स्थापत्य की एक खूबी है। इस शहर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके इतिहास पर नजर डाले तो सन 1876 में तत्कालीन महाराज स्वाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर शहर की स्थापना आमेर के महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी दिया गया है। जयपुर शहर की मुख्य नदी का नाम द्रव्यवती नदी है। द्रव्यवती नदी के किनारे पर बसा जयपुर शहर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 1145 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 467 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले जयपुर शहर की कुल आबादी 30,46,000 है। इस 30,46,000 में 16,03,000 पुरुष तथा 14,43,000 महिलाएं मौजूद हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से जयपुर शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग। जयपुर शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम जयपुर रेलवे जंक्शन है, जिसका स्टेशन कोड JP है और इस रेलवे जंक्शन में 7 प्लेटफॉर्म तथा 10 ट्रैक मौजूद है। इस रेलवे जंक्शन की स्थापना आज से 127 साल पहले 1895 में हुई थी। जयपुर जंक्शन दिल्ली अहमदाबाद लाइन, दिल्ली जोधपुर लाइन, जयपुर शिवाई माधो सिंहपुर लाइन पर स्थित है और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के जयपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। जयपुर जंक्शन के माध्यम से रानीखेत एक्सप्रेस, पोरबंदर एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, जियारत एक्सप्रेस, मरुधार एक्सप्रेस जैसी कई तमाम ट्रेनें गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश के और भी बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती हैं। नंबर दो, सड़क मार्ग। जयपुर शहर सड़क के माध्यम से भारत के लगभग सभी शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस शहर में कई बड़े बड़े सड़क बाईपास मौजूद है, जिसके माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा जयपुर शहर के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 21 गुजरती है, जो कि भारत के बेहतरीन हाईवे में से एक माना जाता है। और इसके अलावा जयपुर बस स्टैंड के माध्यम से लगभग भारत के सभी हिस्सों तक बस सेवा मुहैया प्रदान की जाती है। नंबर तीन, वायु मार्ग। जयपुर में स्थित जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। इस हवाई अड्डे की मदद से सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ वायु मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मदद से एयर अरबिया, एयर एशिया, ओमान एयर, स्पाइसजेट, तमाम एयरलाइंस इस हवाई अड्डे की मदद से उड़ान भरती है, जो कि मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान देती है। दोस्तों, जयपुर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। जयपुर शहर में कैसे घूमने के स्थान है जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं, तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा खास घूमने के स्थान है जो कि जयपुर शहर में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर एक, आमेर किला। आमेर किला जयपुर के प्रमुख खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। इस किले का निर्माण 1592 में राजा मान सिंह ने करवाया था। बाद में राजा ने इस किले के आसपास के क्षेत्रों पर राज्य करना शुरू किया, जिसे आमेर राज कहा जाता था। यह किला जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना यह किला प्राचीन वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना पेश करता है। अगर आप जयपुर शहर में जा रहे हैं तो आमेर किला घूमना ना भूलिएगा। नंबर दो, हवा महल। सन 1799 में निर्मित हवा महल राजपूत स्थापत्य का मुख्य चिन्ह है। पुरानी नगरी के मुख्य गलियों के साथ यह 5 मंजिल इमारत गुलाबी रंग के अष्टभुजाकार और प्रकृष्ट छायेदार बलुए पत्थर की खिड़कियों से सुसज्जित है। उस समय शाही औरतें शहर का दैनिक जीवन व शहर का जुलूस देख सके, इसी उद्देश्य से इस इमारत का निर्माण किया गया था। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से जब हवा
अंदर जाती है तो महसूस होता है कि मानो किसी स्वर के समान हम बैठे हैं। हवा महल भारत के प्रसिद्ध इमारतों में से एक है और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नंबर 3, सिटी पैलेस। राजस्थानी व मुगल शैलियों से मिश्रित यह रचना पूर्वी शाही निवास जो पुराने शहर के बीचों बीच में स्थित है। सिटी पैलेस भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिके नक्काशीदार मेहराबे सोने व रंगीन पत्थरों के फूलों वाली आकृतियों से अलंकृत है। संगमरमर के दो नक्काशीदार हाथी प्रवेश द्वार पर पहरे की तरह खड़े हैं। जिन परिवारों ने राजाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा की वे लोग आज प्रेस में गाइड का काम करते हैं। सिटी पैलेस एक संग्रहालय इसमें मौजूद है जिसमें राजस्थानी पोशाक मुगलों व राजपूतों के हथियार आज भी सिटी पैलेस में देखे जा सकते हैं। इन हथियारों में विभिन्न रंगों के आकारों वाली तराशी गई मुंठ की तलवार मुख्य है। इसके अलावा सिटी पैलेस में लघु चित्र स्नान और अरबी फारसी के दुर्लभ खगोल विज्ञान की रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। नंबर 4, रामगढ़ झील। जयपुर से 22 किलोमीटर दूर पेड़ों के आकृत पहाड़ियों के बीच एक ऊंचा सा बांध बनाकर एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। यद्यपि जमुआ मात्र माता का मंदिर पुराने किले के खंडहर इसके पूरा अवशेष हैं। विशेषकर बारिश के मौसम में इसके आकर्षण का प्राकृतिक दृश्य देखने में बेहतरीन अच्छा लगता है। यहाँ पर जो रामगढ़ झील है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर हमेशा पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती है। नंबर 5, जल महल। मानसागर झील के बीचों बीच में बसा जल महल लगभग 300 साल पहले बना था। इस जिले की सुंदरता उस समय राजाओं के आकर्षण का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। राजा अक्सर नाव में बैठकर इस झील की सैर किया करते थे। राजा शिवाई जय सिंह झील के बीचों बीच में एक महल बनाना चाहते थे ताकि वह शाही स्नान कर सके। झीलों के बीच में अपनी खूबसूरती को बयान करता जल महल 5 मंजिला है जिसे देखने में 4 मंजिल इमारत पानी तथा 1 मंजिल ऊपर दिखाई देती है। इसके अलावा जयपुर शहर में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं जहां पर लोग घूमकर आनंद उठा सकते हैं। इन सभी का व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। अगर शिक्षा की बात करें तो जयपुर शहर शिक्षा के मामले में बहुत ही अच्छा है। यहाँ की जो साक्षरता दर है वह 76% है, यानी कि 76% लोग जयपुर में पढ़े लिखे हैं। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, महिपाल यूनिवर्सिटी, शिवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, अमेठी यूनिवर्सिटी, ये सभी जयपुर शहर में मौजूद हैं। दोस्तों, राजस्थान जैसे विशाल राज्य का राजधानी जयपुर शहर के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।